Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope all will be good. So, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरा मेकअप किट. सो मैं अपने मेकअप किट में क्या क्या प्रोडक्ट्स रखती हूँ वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है. आप भी अगर आपको कुछ पसंद आए तो आप भी परचेज कर सकते हैं. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा आप सबको पता है कि मैं दुबई में रहती हूँ, बट मैं यहाँ से मेकअप बहुत ही रेयरली कुछ खरीदती हूँ. मैं मोस्ट ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स अपने इंडिया से खरीदती हूँ. जब भी मैं इंडिया जाती हूँ वो साल में मैं दो बार तो जाती ही जाती हूँ, तभी भी मैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो भी मुझे पसंद है तभी मैं वहीं से ख़रीद लेती हूँ सारा मेकअप जो भी है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है. तो देखते हैं मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स रखे हैं, कौन कौन से हैं. तो चलिए वीडियो में लेट्स गो. तो चलते हैं देखते हैं. ये मेरे पास है मेरा मेकअप बॉक्स, ये देखिए. हम सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके देखेंगे और हम इसमें फिल करेंगे, देखिए. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर. तो ये देखिए, ये दो ऑप्शन है प्राइमर में मेरे पास. ये लैक्मे का प्राइमर है एंड ये NYBA का प्राइमर है. दोनों बहुत अच्छे हैं. लैक्मे का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये प्राइमर NYBA का उससे थोड़ा सा चीप है, बट दोनों बहुत अच्छे हैं, काम दोनों बहुत अच्छा ही करते हैं. तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये NYBA का यूज़ करती हूँ, कभी कभी ये भी करती हूँ. दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी और चॉइस. एंड प्राइमर के बाद बात कर लेते हैं कंसीलर की. तो कंसीलर में मेरे पास दिस इज़ द ओनली सिंगल वन मेबलिन फिट मी का कंसीलर है मेरे पास. और की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती तो मैंने ख़रीदे भी नहीं, और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता कंसीलर, इसलिए मेरे पास यही ऑप्शन है मेबलिन फिट मी. फिट मी के बाद बात करते हैं हम फाउंडेशन की. तो फाउंडेशन ये है मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस 310 शेड है मेरा. ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत अच्छा है. जब भी मुझे फाउंडेशन की ज़रूरत होती है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही लगाती हूँ. बहुत अच्छा कवरेज देता है, आप जानते ही होंगे. बहुत लाइट लगता है स्किन पे और बहुत स्मूथ फिनिश आती है. इसके अलावा मेरे पास है एक और ऑप्शन, ये ब्लू हेवन का ये ऑल इन वन मेकअप स्टिक HD 12 आवर्स स्टे. ये भी काफ़ी अच्छा है, ये भी अच्छा कवरेज देता है. जैसे डेली बेसिस पर लगाने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट्स इजी टू यूज़. ये देखिए बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जब आप जल्दबाजी में हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं. ये भी बहुत अच्छा है और इसका प्राइस भी कम है. एंड इसके अलावा एक और चीज़ है मेरे पास, ये है लोटस का SPF 70. ये भी बहुत अच्छा है, ये भी रिसेंटली मैंने ख़रीदा था, आई थिंक 4 to 5 months बैक. तो डेली बेसिस पर लगाने के लिए ये भी बहुत अच्छा कवरेज देता है, और साथ ही हमें SPF भी मिलता है इसमें, जैसे BB क्रीम की तरह बोल सकते हैं, बट इसमें SPF ज़्यादा मिलता है. तो ये भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है. सो इसके बाद फाउंडेशन के बाद तो कॉम्पैक्ट में मेरे पास ये दोनों ऑप्शन हैं. दोनों ही लैक्मे के हैं, दोनों मुझे बहुत पसंद है. ये लैक्मे सन एक्सपर्ट है, इसमें 40 SPF है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं सनलाइट में बाहर जाती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ. देखिए काफ़ी मैंने यूज़ कर लिया, ख़त्म भी होने वाला है, इसका स्पंज भी ख़राब हो गया है. एंड सेम थिंग विद दिस, ये भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, इसका भी स्पंज ख़राब हो गया है, इससे मैं इसे यूज़ करती हूँ. दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत अफोर्डेबल हैं. आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, आई मीन ख़रीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. तो ब्लश में मेरे पास ये दोनों ऑप्शन हैं, काफ़ी अच्छा है. ये पिंक शिमरी पिंक है स्विस ब्यूटी का, ये मैंने अभी ख़रीदा था लास्ट टाइम जब मैं गई थी इंडिया. शिमरी है, काफ़ी अच्छा है. और ये है ब्लू हेवन का स्टिक ब्लश, ये भी काफ़ी अच्छा है. थोड़ा सा ये रेड सा कलर है इसका, काफ़ी अच्छा है, बहुत इजी टू अप्लाई है, और आजकल तो मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करती हूँ. और ये भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, दोनों काफ़ी अफोर्डेबल हैं, बहुत अच्छे हैं. आप ज़रूर इनको परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. सो ब्लश के बाद बात कर लेते हैं अब हाइलाइटर की. एक्चुअली ये हाइलाइटर मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है यही नियर बाय लोकल शॉप से. देखिए इसमें 4 शेड्स हैं. एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी मेकअप वीडियोज़ के लिए, और मेरा पुराना जो था वो मेरा टूट चुका था, तो ये मैंने जल्दबाजी में यहीं से ख़रीद लिया है. बाकी जब मैं इंडिया जाऊँगी तो वहाँ से और अच्छे वाला ख़रीदूँगी. तो अभी मुझे काम चलाने के लिए ये ख़रीदा है मैंने. तो ये हो गया हाइलाइटर, इसमें 4 शेड्स हैं. और हाइलाइटर के बाद आई शेडो में मेरे पास ये देखिए, ये 2 पैलेट्स हैं. सो आई शेडो में मेरे पास 2 पैलेट्स हैं. ये देखिए एक न्यूड पैलेट है, इसमें 24 कलर्स हैं, काफ़ी अच्छा है. ये देखिए
एंड दूसरा है ये थोड़ा ब्राइट कलर वाला है, इसमें सारे कलर ब्राइट्स हैं। ये भी बहुत अच्छा है, ये भी ये मैंने इंडिया से ख़रीदा था, ये मैजिक कलर्स इस तरह का कुछ नाम है, और ये यहीं की एक लोकल शॉप से ख़रीदा था मैंने। ये दो हैं, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है, दोनों पैलेट्स। और अब बात करते हैं आई शेडो के बाद बात करते हैं अब काजल की। प्लम का काजल है ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा थर्ड काजल है, दो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत पिगमेंटेड है। और इसके बाद फिर मैंने ये ख़रीदा था मामा अर्थ का ट्राई करने के लिए, ये भी बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा पिगमेंट देता है, ये काफ़ी ब्लैक है, जेट ब्लैक, बहुत अच्छा है। और दोनों आई थिंक 450 या 500 की रेंज में है, जो वर्थ है, इतना 450 या 500 के आसपास है, बहुत अच्छा वर्थ है इनको ख़रीदना, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा है मैं बोलूँगी। एंड इसके अलावा मैं एक ये हिमालय हर्बल्स का ये काजल, ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये कम रेंज का है, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है ये, जब मुझे एक दो घंटे के लिए यूज़ करना होता है तब मैं ये प्रेफर करती हूँ, और जब मैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए प्रेफर मुझे लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, जब मैं ज़्यादा टाइम के लिए बाहर हूँ, तो मैं ये दोनों में से कोई एक यूज़ करती हूँ। ये भी मुझे बहुत, ये भी कम रेंज में है, बहुत पसंद है मुझे। एंड काजल के बाद अब बात करते हैं हम आईब्रो पेंसिल्स की। ये दो हैं, ये फेसेस कैनेडा की हैं, ये भी मैंने इंडिया गई थी जब पर्पल से ख़रीदती हूँ मैं मोस्टली चीज़ें, तो ये ब्राउन कलर है, ये बहुत अच्छा है, देखिए काफ़ी तो मैंने यूज़ भी कर लिया है। ये मेरा सेकंड है और ये मेरा थर्ड है, फर्स्ट मेरा ख़त्म कर चुकी हूँ मैं, और इसमें साथ में स्पूल भी मिलता है, ये बहुत अच्छा है। और ये ब्लैक वाला भी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी रिसेंटली मैंने ख़रीदा था, इसमें ये पीछे ये स्पंज टाइप का है, इसमें स्पूले नहीं है, बट ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है। ये भी अराउंड 400 के आसपास है, बट ये भी वर्थ है। आईलाइनर में मेरे फेवरेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा ये है मेबलिन कोलोसल का बोल्ड लाइनर। कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये मैं आँख बंद करके ये लगा लेती हूँ, बहुत अच्छा है, बहुत इजी टू अप्लाई है, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है। और इसके अलावा एक ये है कलर बार का वाटरप्रूफ लिक्विड लाइनर है, दोनों ये भी बहुत अच्छा है कलर बाल का, ये भी आई थिंक 300 to 400 की रेंज में है, पर ये भी वर्थ है और बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये मेरे पास है एक स्केच लाइनर मेबलिन का हाइपर इजी लाइनर है, ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है, ये स्केच लाइनर है, ये बहुत इजी टू अप्लाई है, और मैं बोलूँगी अगर आप स्केच लाइनर लेना चाह रहे हैं तो आँख बंद करके इसे ले लीजिए, बहुत अच्छा है, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इट्स द बेस्ट। ये भी आई थिंक 4 to 5 के रेंज में है। आई लाइनर के बाद अब बात कर लेते हैं मस्कारा की। मस्कारा में मेरे पास ये है लैश सेंसेशनल मेबलिन का, एक दो ऑप्शंस हो रहा है बट अभी वो मुझे मिले नहीं है, वो गुम हो रहे हैं इधर उधर। ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से डिफाइन करता है आपकी आईलैशेस को, बहुत डार्क है, बहुत अच्छा है, आप आँख बंद करके इसको ले लीजिए अगर आपको लेना है कोई मस्कारा, बहुत अच्छा है। एंड अब मस्कारा के बाद हम एट द एंड आई थिंक अब लिपस्टिक्स की बारी है। लिपस्टिक्स में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी कौन सी लिपस्टिक लूँ, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट लिपस्टिक लवर, तो सेलेक्ट मेरे कलेक्शन में से सेलेक्ट कर पाना कि कौन कौन सी अच्छी हैं कौन कौन सी नहीं, ये मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था, बट फिर भी मैंने कुछ सेलेक्ट करी हैं। ये लैक्मे 9 to 5 की दोनों ही लिपस्टिक बहुत अच्छी हैं, ये देखिए पिंक कलर है, मैं ऑलमोस्ट रेड या पिंक कलर ही लगाती हूँ, ज़्यादा कलर नहीं यूज़ करती, तो यही मेरे मोस्टली फेवरेट कलर्स होते हैं। ये देखिए ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश वाली है, दोनों ही लिपस्टिक 9 to 5 की बहुत अच्छी हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ये कलर बार की, ये भी कलर बार का मैजेंटा कलर है, ये भी बहुत अच्छा है, सी ये देखिए मैट फिनिश है, बहुत अच्छा लुक आता है इसका। आई थिंक ये भी 300 to 400 के रेंज में है, आई थिंक लैक में 9 to 5 के रेंज में ही है ये भी। इसके बाद आती है मेबलिन ये पाउडर मैट्स ऑफ कलर सेंसेशनल, ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है, काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत लाइट वेट है, मैट फिनिश है, बहुत ही स्मूथ है, सिल्की है, बहुत अच्छी है, आपको ख़रीदना है तो बिल्कुल आँख बंद करके ख़रीद सकते हैं, ये वाली रेंज की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं। एंड ये है ब्लू हेवन की इंटेंस मैट, ये मैंने रिसेंटली अभी ख़रीदी थी एज अ ट्राई करने के लिए, पर ये भी बहुत अमेजिंग निकली, मैंने जैसे इसको लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके, मैट है, बहुत ही अच्छा लुक देता है फेस पर, बहुत अच्छा पिगमेंट है, ये बहुत कम रेंज की है, कम रेंज में आप ये ट्राई कर सकते हैं। और एलियटिन को हम कैसे भूल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं एलियटिन की, कम रेंज में अंडर 100 है, तो आप इन्हें भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी हैं। ये मेरा
ये मेरा कलर है रॉक स्टार रेड, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा पिगमेंट देता है ये भी, बहुत अफोर्डेबल है। इसके अलावा ये रिसेंटली मैंने बायोटिक की लिपस्टिक ख़रीदी थी अभी जब मैं गई थी तो ट्राई करने के लिए, और ये भी बहुत अमेजिंग निकली, बहुत अच्छी निकली, ये भी बहुत अच्छी है, आप डेफिनेटली इसको ख़रीद सकते हैं अगर आप चाहिए तो। ये बॉम शेल N604 इसका नंबर है। और इसके अलावा एट द लास्ट NYBay की लिपस्टिक को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, बहुत अच्छी सुपर अमेजिंग लिपस्टिक बोलूँगी मैं इसको। और इसका शेड ये इतना पसंद है मुझे, ना पिंक है ना रेड है ना ब्राइट है ना डल है, इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं यही लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, देखिए इतनी यूज़ कर भी लिया मैंने। बट ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं बोलूँगी पर थोड़ी सी क्रीमी है, पर बहुत अच्छी लिपस्टिक है। डेफिनेटली इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस तो यू कैन बाय दिस, बहुत अच्छा है। सो देखिए यहाँ पर हो गया है ये मेरा मेकअप बॉक्स तैयार, इसमें सारे प्रोडक्ट्स रख दिए मैंने। तो ये था मेरा मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में, और अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ये मेरा मेकअप बॉक्स रेडी है। सो ये था मेरा आज का मेकअप किट वीडियो। मैं देखा आपने मैंने मेकअप किट में क्या क्या रखा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स रखे हैं, आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे लगे। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बी स्माइल, को स्माइल इज अ फ्री थेरेपी। बाय बाय।